सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा सके। परंतु बड़े ही अफसोस की बात है कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के 6 वर्ष बाद भी वाराणसी जनपद के हरमुआ ब्लॉक के बहलोलपुर गांव में 2000 आबादी के बीच में सिर्फ 3 हैंडपम्प हैं, जिसमें से 2 खराब होने के कारण रीता चंद्रा सहित कुल 2000 लोगों को पानी पीने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या होती है? पानी के लिए समस्या है। जिस परिवार में 10-11-12 लोग परिवार है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक पानी ले बहुत दिक्कत होती है। और इसमें गाय के लिए भी पानी डालो, मतलब कपड़े धोने के लिए भी पानी, शौचालय के लिए भी पानी, बर्तन धोने के लिए भी पानी, सुबह से लेकर शाम तक पानी ही ढोते रहे। आदमी लोग तो नहा के मतलब चले जाते हैं, औरतें लोग ही सुबह से लेकर पानी तक ढोती रहती हैं। यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि अपना लोग तो मतलब करवाते हैं तो मतलब अपने के लिए ही होता है, वो लोग मतलब वहाँ पर भी भरेंगे, अपना ही भरेंगे। यहाँ पर सरकारी है 2 है सिर्फ, वो भी पानी गंदा देता है, वो भी बिगड़ जाता है कभी काल को, तो वो भी परेशानी होता है पानी के लिए। और हमको भी ड्यूटी जानी पड़ती है भाई, हमको वहाँ पर भी जाने में को लेट हो जाता है। अधिकारी पहुँच जाएंगे तो हमको भी डांटेंगे, प्रधान से कहेंगे, प्रधान जी कहेंगे कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम ये मतलब व्यवस्था, ये हमारे बस की बात नहीं, जाए दूसरे से। कोई भी आएगा अगर इलेक्शन में तो उनसे यही बात हम लोग पहले उठाते हैं कि पहले पानी की व्यवस्था हो जाए। हमारे गांव की आबादी लगभग 600 यहाँ पे है पर्सनल और समस्या, और उसके बाद में बगल में लगभग 2000 लोगों की आबादी है। तो वो बगल वाले भी इसी जगह आते हैं पानी? हाँ, जब वहाँ बिगड़ जाते हैं तो वो भी यहाँ पे चले आते हैं, और यहाँ बिगड़ जाता है तो वहाँ भी लोग जाते हैं। 500-550 मीटर दूर से जाके लोग पानी लाते हैं। पानी के लिए इतना ज़्यादा जो है कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है कि कोई सीमा नहीं। तो गर्मी के दिनों में इतना सूख जाता है पानी, मतलब कि उसमें पानी नहीं निकलता है, और कभी निकलता भी है तो एकदम गंदा पानी निकलता है। इस समस्या के लिए प्रधान के यहाँ हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान कहे अपनी समस्या अपने से हल करिए। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप हरमुआ ब्लॉक की वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-5288 पे कॉल करके दबाव बनाए, ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।